इस वीडियो में हम राजस्थान विश्वविद्यालय की बीएससी पार्ट टू के मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस या संख्यात्मक विश्लेषण की बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा अलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस या विभाजित अंतर का बीजगणित। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस की, कि जो डिवाइडेड डिफरेंस है किसका, प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन एंड अ कॉन्स्टेंट का, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइडेड डिफरेंसेस। यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस प्रोडक्ट और फंक्शन का किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइडेड डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस एंड कॉन्स्टेंट। यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस सी एफ एक्स इज इक्वल टू सी डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स, जहाँ सी अपनी एक अचर राशि है। सेकेंड प्रॉपर्टी है द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर डिवाइडेड डिफरेंसेज। यानी कि अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यानी कि सम और डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं दो फंक्शंस की, तो दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस, उनका डिवाइडेड डिफरेंस किसके बराबर है, इज इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर डिवाइडेड डिफरेंसेज। यानी कि वो बराबर है आपका डिवाइडेड डिफरेंसेज के सम या डिफरेंस के बराबर। दैट इज डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स प्लस माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ जी एक्स। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक फंक्शंस लें, से एफ और जी, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो उस कंबाइंड का फंक्शन का सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, इसका डिवाइडेड डिफरेंस किसके बराबर है, डिवाइडेड डिफरेंस इंडिविजुअल फंक्शंस का हम निकाल लेंगे और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी सम या डिफरेंस, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस के बराबर है। फिर इसी की कोरोलरी हम कह सकते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन फंक्शंस इज इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द डिवाइडेड डिफरेंसेज। यानी कि अगर हमने अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी में किया था दो फंक्शंस की बात, अब यही प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं एन फंक्शंस तक। यानी कि अगर हम बात करें कि एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स से लेके एफ एन एक्स, ये आपके एन फंक्शंस हैं आपके एक्स के, तो इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि सम और डिफरेंस ऑफ दीज एन फंक्शंस एफ वन, एफ टू, एफ थ्री एंड एफ एन, ये किसके बराबर है, डिवाइडेड डिफरेंसेस एफ वन एक्स प्लस माइनस डिवाइडेड डिफरेंस एफ टू एक्स प्लस माइनस डिवाइडेड डिफरेंस एफ थ्री एक्स एंड सो ऑन प्लस माइनस डिवाइडेड डिफरेंस एफ एन एक्स। यानी कि इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन हो गया ये सेकेंड वाली का, कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द टू फंक्शंस। तो वहाँ दो फंक्शंस थे, यहाँ एन, ये जनरल प्रॉपर्टी हो गई कि अगर हम एक साथ लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें एन फंक्शंस का, तो उन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन का डिवाइडेड डिफरेंस बराबर है किसके, डिवाइडेड डिफरेंसेस इंडिविजुअल फंक्शंस का, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन डिवाइडेड डिफरेंस एफ वन प्लस माइनस डिवाइडेड डिफरेंस एफ टू प्लस माइनस डिवाइडेड डिफरेंस एफ थ्री एंड सो ऑन अप टू डिवाइडेड डिफरेंस एफ एन एक्स। इसी प्रॉपर्टी को हम फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी को जनरलाइज अगर करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, कि अगर हमने जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहा था डिवाइडेड डिफरेंस सी कॉन्स्टेंट और एफ एक्स के प्रोडक्ट का, उसमें हमने कहा था इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, और हमने आगे कहा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन फंक्शंस के डिवाइडेड डिफरेंस किसके बराबर है, डिवाइडेड डिफरेंसेस का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रॉपर्टीज़ को जनरलाइज करें तो हमारे पास में इम्पॉर्टेंट कंक्लूशन आता है कि सी डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सी वन एफ वन एक्स प्लस माइनस सी टू एफ टू एक्स प्लस माइनस सी थ्री एफ थ्री एक्स एंड सो ऑन प्लस माइनस सी एन एफ एन एक्स, यानी कि एन आपके फंक्शंस मल्टीप्लाइड बाई कॉन्स्टेंट्स हैं, उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन का डिवाइडेड डिफरेंस किसके बराबर होगा, सी वन डिवाइडेड डिफरेंस एफ एन एक्स प्लस माइनस सी टू डिवाइडेड डिफरेंस एफ टू प्लस माइनस सी एन डिवाइडेड डिफरेंस एफ एन तक। तो ये दोनों अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को जनरलाइज करते हैं तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं विभाजित अंतर या डिवाइडेड डिफरेंस की। तो ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम हम कर रहे हैं,
कि डिवाइडेड डिफरेंसेस आर सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज वैल्यू ऑफ एनी डिवाइडेड डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कि किसी भी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र है, यानी कि हम x1 x2 लें या x2 x1 लें, डिवाइडेड डिफरेंस मतलब सिमेट्रिकल है डिवाइडेड डिफरेंस इन विथ रिस्पेक्ट टू द आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके लिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स जो वैल्यूज़ ले रहा है एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स एन एक्सेट्रा एट दी पॉइंट्स एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन, जो कि आवश्यक नहीं है कि सम दूरस्थ या इक्विडिस्टेंट है। एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू ये सारे इक्विडिस्टेंट भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं है बट कि इक्विडिस्टेंट हों। तो इसके लिए हम फंक्शन लिया एफ एक्स और एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू ये पॉइंट्स लिए अपन ने मान लीजिए एक्स एक्स के। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस हम कह सकते हैं कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एक्स जीरो और एक्स वन पर, यानी कि एफ एक्स जीरो एक्स वन किसके बराबर होगा, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो ओवर एक्स वन माइनस एक्स जीरो। और हम जानते हैं कि ये बाइसिमेट्री एफ एक्स जीरो माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन के भी बराबर है, यानी कि ये एक्स वन एफ एक्स वन एक्स जीरो के भी बराबर है। तो हम कह रहे हैं कि एफ एक्स जीरो एक्स वन लें चाहे एफ एक्स वन एक्स जीरो लें, दोनों बराबर हैं तो सिमेट्रिकल हो गया। और इसको हम अगर ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स वन ओवर एक्स वन माइनस एक्स जीरो प्लस एफ एक्स जीरो ओवर एक्स जीरो माइनस एक्स वन, यानी कि हम इसको समेशन एफ एक्स जीरो ओवर एक्स जीरो माइनस एक्स वन भी लिख सकते हैं। एक्स के मान हम जीरो वन टू थ्री लेते जाएंगे तो वो चेंज होता जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका एक्स जीरो एक्स वन। जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की तो दो बिंदु आएंगे एक्स जीरो एक्स वन इनिशियल पॉइंट पे। अगर हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे तो हमें पता है कि तीन बिंदु हमें लेने होंगे अगर हम इनिशियल पॉइंट से चल रहे हैं, तो एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू। तो अब अगर हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, तो ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स जीरो एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स जीरो। और ये किसके बराबर हो गया, वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स जीरो को हमने बाहर ले लिया। अब एफ एक्स वन एक्स टू को हम जानते हैं किसके बराबर है, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस, अब एफ एक्स जीरो एक्स वन का मान हो जाएगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो ओवर एक्स वन माइनस एक्स जीरो। इसको अगर हम खोलें तो ये बराबर हो जाएगा आपका एफ एक्स टू ओवर एक्स टू माइनस एक्स जीरो ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। फिर हम लें एफ एक्स वन की टर्म तो प्लस एफ एक्स वन ओवर एक्स वन माइनस एक्स जीरो ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एफ एक्स जीरो ओवर एक्स एफ एक्स जीरो ओवर एक्स जीरो माइनस एक्स वन इंटू एक्स जीरो माइनस एक्स टू। तो इसमें हमने देखा कि सिमेट्रिकल आ रहा है एफ एक्स जीरो के साथ आपका डिनोमिनेटर में एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं, एफ एक्स वन के साथ डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू। इसी तरह से एफ एक्स टू के साथ हम देख रहे हैं टर्म एक्स टू माइनस एक्स जीरो एंड एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी हम देख रहे हैं कि ये भी सिमेट्रिकल फंक्शन है एक्स वन एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू में। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स जीरो ओवर एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स जीरो माइनस एक्स टू which shows that the divided difference of the function fx is symmetrical in x0, x1 and x2। यानी कि f x0, x1, x2 हम देख रहे हैं किसके बराबर है, f x1, x2, x0 और ये बराबर है f x2, x1, x0 के। अब बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम ये प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से बढ़ते हुए कि हमने फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात की, थर्ड भी इसी तरह से चलेगा उसमें भी हम देखेंगे सिमेट्रिकल रिजल्ट। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉपर्टी अगर अपन लें तो गणितीय आगमन सिद्धांत, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने एन बिंदु लिए एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू से लेके एक्स एन तक, तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स जीरो ओवर एक्स जीरो एक्स एन माइनस एक्स जीरो ओवर एक्स एन माइनस एक्स वन एक्स एन माइनस एक्स टू से लेकर एक्स एन माइनस वन, यानी कि एक्स एन से हमने एक्स एन के अलावा बाकी सारों को का डिफरेंस लिया है पॉइंट्स का, प्लस फिर एफ एक्स एन माइनस वन लेंगे तो डिनोमिनेटर होगा एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स जीरो
इंटू एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स वन, फिर इंटू एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स टू, एन कहाँ तक चलेगा, एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन। मतलब जिस पॉइंट पर हम फंक्शन ले रहे हैं, जैसे हमने एक्स एन लिया तो उसमें नीचे सिर्फ एक्स एन में से हमने एक्स एन को नहीं घटाया, बाकी सारे पॉइंट्स को घटाया। जब हमने एक्स एन माइनस वन पे फंक्शन का मान लिखा है तो हमने एक्स एन माइनस वन में से एक्स जीरो एक्स वन सबको घटाया एक्सेप्ट एक्स एन माइनस वन, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो ज़ीरो बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल रिजल्ट आपको मिल रहा है। इस तरह से हम बढ़ते हुए आगे लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, एफ एक्स जीरो ओवर एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स एन तक। तो ये हम आसानी से कह सकते हैं देखकर कि ये जो डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं ये भी सिमेट्रिकल हैं इन देयर आर्ग्यूमेंट्स। तो एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू से लेके एक्स एन तक लिखें तो ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स एन एक्स एन माइनस वन से लेके एक्स टू एक्स वन एक्स जीरो तक भी। फिर हम सेकंड प्रॉपर्टी की इसकी बात करें कि ये कह रहा है कि nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे कई बार काम में आती है कि nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट। जो हमने बात की थी फॉरवर्ड डिफरेंसेस में, वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि n घात वाले बहुपद के nवें विभाजित अंतर जो होंगे वो अचर होंगे। ये तो हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे थे पिछली उसमें, इस तरह से अगर हम बढ़ते जाएंगे आगे तो वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा nth डिवाइडेड डिफरेंस, अगर पॉलिनोमियल nth डिग्री का है तो। इसको हम आगे भी जब कोरिलेट करेंगे हमारा डिवाइडेड डिफरेंस और अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को, तब भी हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम की। ये कह रहे हैं कि द nth डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड as the quotient of two determinants each of order n plus 1, यानी जो nवा विभाजित अंतर है n plus 1 क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। nth divided difference को हम कैसे express कर सकते हैं, as a quotient of two determinants each of order n plus 1। तो पहला डिवाइडेड डिफरेंस लें इनिशियल पॉइंट्स x0 और x1 पर, तो हम देखते हैं एफ एक्स जीरो एक्स वन जो है वो किसके बराबर है, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो ओवर एक्स वन माइनस एक्स जीरो। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए क्वेशेंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर टू। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, पहला डिटर्मिनेंट हो गया ऊपर न्यूमरेटर में एफ एक्स वन एफ एक्स जीरो फर्स्ट रो में और सेकंड रो में वन और वन, इसका मान क्या आएगा, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो जो कि आपका न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय नीचे हमें चाहिए एक्स वन माइनस एक्स जीरो, तो हमने वो डिटर्मिनेंट लिख लिया एक्स वन एक्स जीरो पहली रो, दूसरी रो में वन वन, तो ये भी आपका एक्स वन माइनस एक्स जीरो देगा। यानी कि हमने आसानी से फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को एक्सप्रेस किया एज ए क्वोशेंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स दो सारणिकों के भागफल के रूप में। इसी तरह से हम जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है x0, x1, x2 बिंदु पर उसको लिख सकते हैं f x0, x1, x2, ये किसके बराबर है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है कि इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं एज एफ एक्स जीरो ओवर x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 प्लस एफ एक्स वन ओवर x1 माइनस x0 एंड x1 माइनस x2 प्लस एफ एक्स टू ओवर x2 माइनस x0, x2 माइनस x1। इसको हम अगर थोड़ा रीअरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं माइनस में एफ एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स जीरो प्लस एफ एक्स टू एक्स जीरो माइनस एक्स वन ओवर एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू एंड एक्स टू माइनस एक्स जीरो। तो हम इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारा वेंडर मोड थ्योरम उस डिटर्मिनेंट्स का, उससे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कैसे, कि ये जो डिवाइडेड डिफरेंस हमने सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के रूप में लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन एफ एक्स टू पहली रो डिटर्मिनेंट की, सेकंड रो एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और थर्ड रो वन वन वन, यानी कि ऑर्डर तीन का डिटर्मिनेंट है थ्री बाई थ्री, और डिवाइडेड बाय एक्स जीरो स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और वन वन वन, तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। यानी कि जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है उसको हमने कैसे एक्सप्रेस किया, एज क्वोशेंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो ये क्या है, भागफल किसका, दो सारणिक जिनकी ऑर्डर क्या है,
2+1=3। तो इस तरह से हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो उसको हम देखेंगे कि आसानी से इस वैंडरमोट थ्योरम के डिटर्मिनेंट्स का जो है इससे हम लिख सकते हैं एज अ क्वोशेंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। तो इसी प्रोसेस को अगर अपन रिपीट करते हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि nth डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी रिटन एज द क्वोशेंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n+1। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड डिवाइडेड डिफरेंस की, कि डिवाइडेड डिफरेंस और विभाजित अंतर और ऑर्डिनरी डिफरेंस यानी कि आपका साधारण आपका अंतर और आपका विभाजित अंतर, फॉरवर्ड डिफरेंस और विभाजित अंतर डिवाइडेड डिफरेंस, इनमें क्या रिलेशन है। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि x की कुछ वैल्यूज़ हैं इक्विडिस्टेंट, x0 x1 x2 एंड xn तक, यानी कि हम कह रहे हैं कि x1 माइनस x0 बराबर x2 माइनस x1 एंड सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1 है, इक्विडिस्टेंट हम ले रहे हैं, समदूरस्थ, और ये डिफरेंस हमने मान लिया कि एच एस है, इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। तो डेल्टा fx0 हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर, ये किसके बराबर होगा, fx0 प्लस एच माइनस fx0। x0 प्लस एच को आपने लिया हुआ है x1, तो ये हो गया fx1 माइनस fx0, इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। अब हम जानते हैं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल स्क्वायर fx0 किसके बराबर है, डेल्टा fx1 माइनस डेल्टा fx0। डेल क्यूब सिमिलरली fx0 किसके बराबर होगा, डेल स्क्वायर fx1 माइनस डेल स्क्वायर fx0 एंड सो ऑन, इसी तरह से चल जाएंगे हम। डेल्टा एन fx0 किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एन माइनस 1 fx1 माइनस डेल्टा एन माइनस 1 fx0। तो अब ये तो बात हुई फॉरवर्ड डिफरेंसेस की, हम बात कर रहे हैं अब डिवाइडेड डिफरेंस की। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा fx0 x1, ये किसके बराबर होगा, fx1 माइनस fx0 ओवर x1 माइनस x0। पर इक्वेशन 1 में हमने देखा है, सॉरी इक्वेशन 2 में हमने देखा है कि ये जो xn fx आपका fx1 माइनस fx0 जो है ये किसके बराबर है, डेल्टा fx0 के बराबर, और x1 माइनस x0 किसके बराबर है, 1 से h के बराबर। तो हमारे पास में आ गया कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx0 x1 किसके बराबर हो गया, fx1 माइनस fx0 ओवर x1 माइनस x0, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा fx0 ओवर h, यानी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपका fx0 x1 इज इक्वल टू डेल्टा fx0 ओवर h। अब हम इसी तरह से बात कर सकते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की, डेल्टा स्क्वायर fx0 x1 x2 पर, यानी कि fx0 x1 x2 ये किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx0 x1 माइनस fx1 x2 ओवर x0 माइनस x2। तो इसको हम फिर डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन से, अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन में रीराइट किया है, इस इक्वेशन को हमने मान लिया था इक्वेशन 5, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 ओवर h डेल्टा fx0 माइनस 1 अपॉन h डेल्टा fx1 ओवर x0 माइनस x2 जो होगा वो होगा माइनस का 2h। तो ये किसके बराबर हो गया, डेल स्क्वायर fx0 ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, यानी कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो लिया हमने fx0 x1 x2 ये किसके बराबर है, डेल स्क्वायर fx0 ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमने देखा fx0 x1 जो है वो है डेल्टा fx0 ओवर h यानी कि 1 फैक्टोरियल h। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जब लिया हमने fx0 x1 x2 ये आपका आ रहा है डेल स्क्वायर fx0 ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। तो इसी तरह से हम बढ़ते जाएं तो nth डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा fx0 x1 x2 x3 से लेके xn तक ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा n fx0 ओवर n फैक्टोरियल इनटू h टू द पावर n। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी और डिवाइडेड डिफरेंस आपका अंतर जो आपका अग्रअंतर और आपका विभाजित अंतर ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट किए जा सकते हैं आसानी से।